यूपी पंचायत चुनाव में मचे घमासान के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को हटाए जाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने क्या कुछ कहा, आप जरूर सुनिए। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर इस तरह की बातें लगातार आ रही थीं। अब उनमें जो लोग कह रहे थे ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के जो उम्मीदवार थे वो लगातार इस बात की शिकायतें कर रहे थे कि इस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। अब चीजें सामने आने लगी हैं और बातें भी कह रहे हैं लोग कि शत्रुंजय कुमार जो कि सचिव थे निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में, सचिव थे और एक साल से अधिक के सचिव थे और उन्हें लाया गया था निर्वाचन आयोग में, उनकी ईमानदारी उनकी पराकाष्ठा उनकी सच्चाई और इन सब चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित अधिकारी थे, उनको एकाएक हटाना, उनको पद से हटाना, दूसरी तरफ भेजना, उन पर आरोप भ्रष्टाचार के लगाना, क्या सच्चाई है क्या सत्यता। लेकिन जहां तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है शत्रुंजय कुमार जी का, उसमें उनकी ईमानदारी, क्योंकि योगी जी की सरकार में कोई लगातार लगभग 4 वर्ष तक अधिकारी रहा और सचिव पद पर रहा और चुनाव आयोग से संबंधित रहा और उससे पहले भी वो रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि भ्रष्टाचारी रह जाता, तो ईमानदारी की उनकी पराकाष्ठा स्थापित थी। लेकिन अब एकाएक आरोप लगा उन पर और उनकी ईमानदारी पर प्रश्न लगा और उन पर आरोप लगाया गया, जबकि वो बिल्कुल साफ स्वच्छ ईमानदार अधिकारी रहे हैं, और अब ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाना जो उसके लिए कंपिटेंट भी नहीं है, उस पद के लिए कंपिटेंट भी नहीं है, योग्य भी नहीं, जैसा कि जानकारी दे रहे हैं लोग, जैसा कि बता रहे हैं, जैसा कि पता चल रहा है, तो उस आधार पर तो साफ हो गया कि पंचायत के चुनाव में जो 1995 की लिस्ट थी और उसके बाद जो 2015 में परिवर्तन हुआ उसमें भ्रष्टाचार हुआ। और कोई भी चुनाव, ये तो ग्राम पंचायत का चुनाव है, ग्राम प्रधानी का चुनाव है, अगर भ्रष्टाचार उसमें जुड़ जाता है तो लोकतंत्र की अस्थिरता हो जाती है, लोकतंत्र अपने मूल्यों को खो देता है, लोकतांत्रिक संरचना खराब हो जाती है और वो नहीं होनी चाहिए। खासकर योगी जी के शासनकाल में तो लोकतांत्रिक संरचना जो है वो और मजबूत होने की लोग आशा करते हैं, ऐसी आशा और विश्वास करते हैं कि ना तो उनका खानदान है, ना परिवारवाद है, ना भ्रष्टाचार का आरोप है उनकी सरकार पर, और बिल्कुल सत्य निष्ठा ईमानदारी त्याग तपस्वी के रूप में वो सरकार को चला रहे हैं। ऐसे में यदि निचले स्तर पर ऐसे भ्रष्टाचार हुए हैं जैसा कि लोग बता रहे हैं, शिकायतें दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी जी को, इलेक्शन कमीशन को, पंचायत राज को दे रहे हैं, तो उस पर अवश्य ही उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय अदालत को संज्ञान लेना चाहिए, समय रहते ही अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्वानों द्वारा दी गई जानकारियां आपके मन में चल रहे सभी भ्रम को दूर कर रही हैं। सिर्फ पंचायत चुनाव ही नहीं, हम आपसे जुड़ी उस प्रत्येक महत्वपूर्ण जानकारी को गहराई से अध्ययन करते हुए साझा करेंगे। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जमकर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।